अभी रात के 12:40 हो गए हैं और हम आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आज का, ध्यान दीजिएगा, मूल। हम लोग उस दिन पढ़ लिए थे रॉल्स लॉ, है ना। तो रॉल्स लॉ कहते किसको हैं, तो आपको बताए थे, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, इसके दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट्स है ए एंड बी, और ये बाबू देखो ऐसा ये कवर है ना, ताकि वेपर क्या हो यहां से बाहर जा नहीं सके। तो ये अपन क्या किए, इसको प्लस साइन से इंडिकेट किए। ये प्लस कौन, ये नीचे लिक्विड स्टेट में, ऊपर हो गया आपका प्लस गैसियस स्टेट या वेपर स्टेट में। तो जब अपन यहां से टेम्परेचर देंगे इसको बाबू, तो क्या होगा, ए और बी दोनों कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये यहां ऊपर आ गया, और ए और बी दोनों क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा, और ए के द्वारा लगाया गया प्रेशर पी ए, और बी के द्वारा लगाया गया प्रेशर क्या कहलाएगा, पी बी। हम यदि आपसे कहें कि इस सॉल्यूशन में कितना टोटल प्रेशर लगाया जा रहा है, तो आप बोलेंगे पी ए प्लस पी बी, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से क्या पता चला, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन एंड बोथ आर वोलेटाइल, और दोनों का दोनों क्या है, वोलेटाइल है, तब जो आपका प्रेशर लगाएगा इस सॉल्यूशन में कौन लगाएगा, ए और बी, ध्यान दीजिए, कब, जब दोनों आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ये तो आपको पहले ही बता दिए थे, वेपर प्रेशर को जब अपन क्या किए थे, डिफाइन किए थे। तो ए किस में कन्वर्ट होगा, ए बी वेपर में, और ए बी फिर किस में आएगा, लिक्विड में। ये आपका प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा, तब जो वेपर प्रेशर लगाएगा कहां, लिक्विड इधर सॉल्यूशन में, वो क्या कहलाएगा, वेपर प्रेशर। तो यहां पे हम लोग पढ़े थे कि सॉल्यूशन जो होगा उसका वेपर प्रेशर यदि पी एस होगा, तो इस सॉल्यूशन में प्रेशर लगाने वाला कौन है, ऊपर कौन गया, ए और बी। तो पी एस बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पी ए प्लस पी बी, ध्यान दीजिएगा। और हमने आपको बताया किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर होता है वह क्या होता है, उसके मोल फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट में उसका वेपर प्रेशर के बराबर होता है। उसके मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट में उसके वेपर प्रेशर के बराबर होता है। तो हम किसका निकाल रहे हैं, ए का। तो प्योर स्टेट में इसका क्या होगा बोलो, पी नॉट ए। प्योर स्टेट में जब सिर्फ ए रहे, तो ए के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर इनटू, अपन क्या कर ले बाबू यहाँ पे, एक्स ए। एक्स ए क्या है, इस सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन, ध्यान दीजिएगा, प्लस हम पी बी जब निकालेंगे तो क्या होगा बोलो, पी नॉट बी इनटू यहाँ क्या होगा, एक्स बी। दिक्कत नहीं, ये आपको बताए थे उस दिन, है ना। फिर इसी को आगे लिखिए अपन, है ना, क्या एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर वन, तो एक्स बी को रिप्लेस कर दिए वन माइनस एक्स ए से। आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो क्या करेंगे, देखो रॉल्स लॉ क्या हुआ, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन एंड बोथ आर वोलेटाइल, देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज सम ऑफ, है ना, क्या कह सकते हो, इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ इट्स कंपोनेंट, मतलब ए और बी के द्वारा लगाया गया वेपर प्रेशर के सम के बराबर होगा। नेक्स्ट आज हम लोग टॉपिक डालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान देना। अभी क्या है, खुद से सोच सकते अपन, ए डब्बा या नीचे टेम्परेचर, बराबर है, या कौन, ए लिक्विड ना बाबा, चलो ये यदि टेम्परेचर लेगा तो ऊपर कहां पहुंचा, प्लस 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 ए प्लस, कोई दिक्कत। आपसे सॉल्यूशन में कौन है, ए और बी, क्वेश्चन में आपको पता है ए का मोल फ्रैक्शन लिक्विड में सॉल्यूशन में क्या है, एक्स ए, बी का कितना, एक्स बी। और हमने क्या बोला, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज, जब यहां पे होगा कौन होगा, यहां भी तो ए होगा और कौन होगा, बी होगा। तो लिक्विड के अंदर नहीं बोल रहे ए और बी का मोल फ्रैक्शन, हम क्या बोल रहे हैं, ऊपर में ए और बी का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, कहां पे, ऊपर में, ध्यान दीजिएगा यहां पे,
दिस इज वेपर फेज। वेपर फेज में कौन है, ए और बी, उस जगह मोल फ्रैक्शन कितना होगा आपको ध्यान रखना है ना। तो क्या ध्यान रखना है देख लीजिएगा, तो इसको हम लोग डिनोट किससे कर देते हैं, मान लो गामा से, गामा ए, गामा ए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन नॉट लिक्विड वेपर फेज। ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना है, दो कंपोनेंट है, ए का भी मोल फ्रैक्शन होगा बी का भी होगा, तो वेपर फेज में किससे डिनोट कर दिया, गामा से। तो गामा ए बराबर होता है पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन बटे वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आप ही लोग जानते हैं या हम लोग भी जानते हैं, गामा ए बराबर यहाँ पी ए कैसे निकालते हैं बोलो, पढ़े पहले पी नॉट ए इंटू एक्स ए, नीचे क्या हो जाएगा बोलो, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, बराबर है। चल अब इसी को देखिएगा, एक स्टेप बढ़ा देता हूं, ध्यान देना, गामा ए को अपन क्या लिख सकते हैं, और P नॉट A एक्स ए को लिख सकते हैं बोलो एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी, कोई दिक्कत, अपना मोल बट्टे टोटल मोल बाय, बोलिए पी ए कितना लिखेंगे, पी नॉट ए इंटू बोलो एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी, सही ना, इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, पी ए ना पी ए, ये P नॉट A एक्स ए क्या लिखिएगा बोलो एन ए बट्टे एन ए प्लस एन बी, अब प्लस का क्या कर दे, P नॉट B इंटू एन बी बट्टे एन ए प्लस एन बी, ठीक एलसीएम ले सकते बाबू, ऊपर ले सकते हैं ना, गामा A बराबर ऊपर आपका एलसीएम में आया एन ए प्लस एन बी और ये ऊपर में आ गया P नॉट A इंटू एन ए डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम में क्या आएगा बोलो एन ए प्लस एन बी, ये आपका आ गया एलसीएम लीजिएगा, ऊपर में क्या पहुंचेगा P नॉट A एन ए प्लस P नॉट B एन बी। ध्यान दीजिएगा बात समझा देते हैं, गामा A क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज है ना, ये क्या होता है आपका पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सोल्यूशन बट टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब पी ए प्लस पी वी। यहाँ से गामा ए बराबर क्या लिख सकते हैं, पी ए पहले पढ़ चुके हैं प्योर स्टेट में मल्टीप्लाइड बाय इसका मोल फ्रैक्शन सोल्यूशन में, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए, इसी तरह इसको भी लिखे और इसको लिख दिए, अब सबको पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है बोलो अपना मोल बटे टोटल मोल, मतलब एक्स ए लिख रहे हैं तो एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, यहाँ भी एक्स ए लिख रहे हैं तो एन ए बटे एन ए प्लस एन बी, एक्स बी लिख रहे हैं तो एन बी बटे एन ए प्लस एन बी, यहाँ तक किसी को दिक्कत, आई होप दिक्कत नहीं हो रहा होगा है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं थोड़ा देर के लिए इसको रब कर देते बाबू, तो यहाँ देखिए अपन क्या लिख देते बोलो, गामा ए बराबर बोलो पी नॉट ए एन ए बाय एन ए प्लस एन बी इंटू, ये पलट जाएगा एन ए प्लस एन बी डिवाइडेड बाय P नॉट A एन ए प्लस P नॉट B एन बी, इससे इससे कैंसिल हो गया, गामा A बराबर क्या हो गया बोलो P नॉट A एन ए बाय P नॉट A एन ए प्लस P नॉट B एन बी, ये डब्बा बंद, ध्यान देना, एक तो पहले वाला डब्बा भी बंद कर लीजिएगा है ना, इसको भी कोई दिक्कत नहीं, तो आपको रिजल्ट याद रख लेना, उसी तरह जब हम गामा बी का बात करेंगे क्या था बोलो पी बी बट्टे पी ए प्लस पी बी, एक तो ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, दूसरा और क्या हो सकता है बोलो, गामा बी बराबर सेम इसी तरह का करना है, रब करें, चलो ये तो आपको आ रहा है ध्यान दीजिएगा, तो गामा बी बराबर बोलो क्या करेंगे इसी में सेम इसी तरह, तो देखो क्या लिखा हुआ है बोलो गामा बी लिख रहे हैं तो पी नॉट बी एन बी, ध्यान दो पी नॉट ए एन ए है तो यहाँ पे क्या करेंगे पी नॉट बी एन बी करके देखिएगा बट है पी नॉट बी, या तो यहाँ एक ही चीज है ये दोनों तो है ही तो लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी,
ये डब्बा बंद। तो हम क्या बोले, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन देन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज जो इक्वल होता है वो उसको डिनोट किससे करते हैं, गामा से करते हैं। और बोलो गामा बराबर क्या होता है, हाँ गामा बराबर होता है ना, ये तो अपन प्रूफ देख लिए, यहाँ से रिजल्ट याद रखिएगा। क्या गामा क्या होता है बोलो, गामा ए है ना बराबर होता है पी ए बटे पी ए प्लस पी बी, बोल भी लेंगे एक बार दूसरा, इसी में बताए थे गामा ए बराबर अभी पी नॉट ए एन ए बाय पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी, ये आपका आ रहा था बाबू है ना। और यहां से जब बात करते हैं, देखिएगा ध्यान से, मन नहीं लग रहा, लगेगा यहीं पे बात करते हैं। गामा बोलो बाबू बी बराबर पी बी बटे पी ए प्लस पी बी, ध्यान दीजिएगा एक ये फॉर्मूला हो गया। सिमिलरली गामा बी बराबर पी नॉट बी, देखिएगा यहाँ पे एन बी बाय पी नॉट ए एन ए प्लस पी नॉट बी एन बी, और ये डब्बा बंद। समझ में आया, आई होप आ गया होगा है ना ये। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसमें गामा क्या है, पी नॉट ए क्या है, तो उसको मैं बता देता हूँ है ना। इधर देख लेते हैं, गामा ए क्या हुआ बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, याद रखिएगा बाबू। गामा बी क्या होगा बोलो, मोल फ्रैक्शन बोलो ऑफ बी इन वेपर फेज। और बाबू पी ए सबको पता है क्या होता है, पता है ना पी ए पता है, पहले लिख चुके हैं, पी भी पता है पहले लिख चुके हैं, एन ए क्या होगा बोलो पहले लिख चुके हैं, क्या होता है बोलो, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ बी इन सॉल्यूशन, एन ए क्या होगा बोलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉरी मोल ऑफ ए इन सॉल्यूशन, एन बी क्या होगा बोलो, मोल ऑफ बी इन सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा बाबू, ठीक। चलिए नेक्स्ट एक लाइन दिया हुआ रहता है, क्या रहता है ध्यान दीजिएगा, रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, रॉल्स लॉ इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, ध्यान दीजिएगा। स्पेशल कभी कभी पूछ लेगा केस ऑफ सब्जेक्टिव में ऑफ हेनरीज लॉ, हाउ पूछेगा बाबू आपसे कि रॉल्स लॉ जो है हेनरीज लॉ का स्पेशल केस होता है, कैसे होता है ये चीज आपसे पूछेगा। और जब आपसे पूछेगा तो आप उसको बहुत आसानी से बता देंगे, क्यों बता देंगे, क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ना, ठीक है बाबू। देखो दोनों चीज को अपन देख रहे थे ना, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग हेनरीज लॉ, यदि याद होगा अपने को तो याद होगा, क्या याद होगा बोलो, हेनरीज लॉ क्या बोले थे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यहां से लिख सकते हैं पी गैस एक तरह से बराबर क्या होगा बोलो, के एच इंटू एक्स गैस, ठीक। यहाँ थोड़ा सा जगह रखते हैं, यहां भी यदि हम बात करेंगे रॉल्ट्स के हिसाब से, रॉल्ट्स के हिसाब से यदि बात करते हैं हम लोग, देखो बाबू तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर या जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्यूशन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी होता है मोल फ्रैक्शन का, कैसे समझेंगे थोड़ा देर में। और यहां से पी जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है, यहां लिखते हैं पी नॉट, कभी ए हो जाएगा कभी बी हो जाएगा कुछ भी हो जाए, मान लो पी नॉट ए हुआ तो यहाँ पे क्या लिखते थे, एक्स से लिखते थे, याद कीजिए P नॉट B होगा तो क्या होगा, X B होगा कुछ भी होगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, एक तरह से जब A रहेगा तो P नॉट A,
बी रहेगा तो पी नॉट बी। तो यहाँ पे जो टर्म्स आया, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है। तो पी किस पे डिपेंड करता है, एक्स ए पे, मोल फ्रैक्शन पे। यहाँ पे पी भी किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन पे। ठीक, तो यहाँ अपन लिख सकते हैं हेयर, क्या बाबू बोलो, के एच एंड पी नॉट, कोई भी पी नॉट यहाँ पे ए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए इज कांस्टेंट एंड पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, देयर फोर, है ना, क्या हो जाएगा, इट इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज। क्यों, देखो हेनरीज में क्या होता था, के एच कॉन्स्टेंट आता था, इसमें पी नॉट ए कॉन्स्टेंट है, मगर दोनों चीज क्या है, सेम टाइप का है, इसलिए यहां से कह सकते हैं कि रॉल्स लॉ जो है स्पेशल केस होता है किसका, हेनरीज का बाबू। कैसे होता है, तो फिर बताते हैं हेनरीज लॉ क्या पढ़े थे, पी गेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गेस, पी गेस बराबर के एच इंटू एक्स गेस। रॉल्स लॉ के हिसाब से भी पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन होता है, पी बराबर पी नॉट ए कॉन्स्टेंट रखते हैं इंटू एक्स ए, यहाँ दोनों कॉन्स्टेंट है ना, तो वेयर के एच एंड पी नॉट ए इज कॉन्स्टेंट, सिमिलर कॉन्स्टेंट है ना, इसमें के एच की जगह कौन आ गया, पी नॉट ए आ गया। बाकी सब क्या देखते हैं, पी किस पे डिपेंड करता है, एक्स ए पे, पी किस पे डिपेंड करता है, एक्स पे, इसका मतलब इट इज स्पेशल केस ऑफ हेनरीज। ओके, कभी सब्जेक्टिव में पूछेगा, बाकी ऑब्जेक्टिव में तो कोई रोल नहीं है बाबू, कोई रोल नहीं बाबू, सिंपल कोई सा भी रोल नहीं है, ध्यान देंगे। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक है आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बच्चे बोलेंगे कि सर आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, बहुत अच्छा, किसको कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल सॉल्यूशन उसको कहेंगे जो रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा। तो कह सकते हैं दोज सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ, वो क्या कहलाएगा आपका, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, दोज सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, और वो सॉल्यूशन जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह का होता है, या तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, या तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन निगेटिव डेविएशन शो करेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, तो लिखते हैं अपन, सबसे पहले लिखिए क्या, आइडियल सॉल्यूशन, और बहुत आसानी से हम लोग समझ लेंगे, ध्यान दीजिएगा, दोज सॉल्यूशन विच फॉलोज, दोज सॉल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। सर इसको समझे नहीं अच्छे से, थोड़ा समझाते, मतलब बहुत अच्छे से समझाएंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यदि ए और बी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट है ना, then AA and then attractive force comma BB attractive force equal to AB एट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, इफ ए एंड बी आर टू कंपोनेंट्स, देन ए
एट्रैक्टिव फोर्स मतलब ए इंटरेक्शन जो होगा बीवी इंटरेक्शन जो होगा वो इक्वल टू क्या होगा ए बी इंटरेक्शन। ध्यान दीजिएगा इसको कैसे समझ सकते हैं, ए के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा बीवी के बीच लगने वाला फोर्स जो होगा वो ए बी के बीच लगने वाला फोर्स के बराबर होगा। तो इसको समझिएगा थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा है ना, इसको उतार लिए ये बताते हैं अभी, दो सेकंड रुकिएगा बाबू ध्यान दो। इसमें क्या होता, मान लो सोल्यूशन है कोई, इसका दो कंपोनेंट कौन कौन है बोलो, ए एंड बी, यहां से ए और बी के बीच तो फोर्स लग रहा होगा भाई, ए और बी के बीच भी फोर्स लग रहा होगा, तो पहले ए क्या होगा अकेले होगा शुरुआत में, बाद में तो मिलाए होंगे ए को बी से, बी के साथ मिलाए होंगे, तो ए को बी के साथ मिलाएंगे उससे पहले क्या होगा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए आपका ए के साथ अकेले होगा, यदि ये सोल्यूशन किसका है बोलो, ए का सोल्यूशन यदि है ध्यान दीजिएगा, यदि ए का सोल्यूशन है और ये किसका सोल्यूशन है बी का सोल्यूशन है, यदि ए का सोल्यूशन है और ये किसका सोल्यूशन है बी का सोल्यूशन है, तो देखो ए ए है तो इसमें सिर्फ ए ही भरा होगा, और यदि इसमें ए भरा हुआ होगा तो ए के बीच क्या लगेगा फोर्स लग रहा होगा, ए के बीच क्या लग रहा होगा फोर्स लग रहा होगा, बहुत सारा ए का पार्टिकल्स होगा हर जगह, ए का पार्टिकल्स होगा, ए ए होगा, यहाँ पे भी क्या होगा बी बी होगा है ना, यहाँ भी क्या होगा बी बी होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ ए होगा ए होगा ए होगा बी बी होगा बी बी होगा बी बी होगा, बहुत सारा होगा होगा ना। अब हमने क्या किया, क्यों हम लोग बचपन से पढ़े दो पार्टिकल्स क्या के बीच क्या होता है अट्रैक्शन होता है, यहाँ दो के बीच दो मास के बीच क्या होगा अट्रैक्शन हो रहा है, ए के बीच अट्रैक्शन, यहाँ बीबी के बीच भी अट्रैक्शन, ठीक ध्यान दीजिएगा। और अब क्या किए हमने, ए और बी को आपस में क्या किया मिला दिया यहाँ पे, ये देखो अब ये क्या बन गया ए बी बन गया है ना, तो ए बी के बीच भी अट्रैक्शन होगा, तो हम क्या बोले यदि कोई आपका आइडियल सोल्यूशन होता है तो उसमें ए ए के बीच लगने वाला फोर्स, ध्यान देना ए ए के बीच लगने वाला फोर्स, बी बी के बीच लगने वाला फोर्स और ए बी के बीच लगने वाला फोर्स आपस में बराबर होता है। दैट्स ओके, ए पहले था ए के बीच लगने वाला फोर्स, फोर्स तो लगेगा दो मास के बीच, बी बी के बीच भी लगने वाला फोर्स और बोलो ए बी के बीच भी लगने वाला फोर्स क्या होगा बराबर होगा, उसी को हम लोग लिखे हैं है ना, ए अट्रैक्शन बी बी अट्रैक्शन इक्वल टू ए बी अट्रैक्शन, तो ए का अट्रैक्शन बी बी का अट्रैक्शन और ए बी का अट्रैक्शन दोनों तीनों आपस में क्या होगा बराबर होगा, ये कौन बोला था रॉल्स लॉ, ठीक आइडियल सोल्यूशन। अब कभी कभी नहीं हमेशा पूछता है इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछा है बेटा, क्या पूछता है कंडीशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, कंडीशन ऑफ आइडियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन का कंडीशन क्या होगा बाबू है ना, तो सबसे पहला कंडीशन डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, सेकेंड कंडीशन बाबू डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, और थर्ड कंडीशन बाबू है ना डेल्टा एस क्या होता है ग्रेटर देन जीरो। कोई बच्चा बोला सर हम नहीं समझे, कोई बात नहीं समझ लेते हैं क्या, तो इसको कैसे समझेंगे देखिएगा, तो कोई आपसे पूछेगा कि आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा, तो क्या बोलेगा डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। बच्चा कोई पूछेगा सर क्या है इसका मतलब, थोड़ा मतलब बता देते, हमने बोला कि बाबू ये सॉल्यूशन कोई क्या है ए है और ये क्या है बोलो बी है, तो ए और बी का जो एंथैल्पी होगा समझिएगा शुरुआत में और इसको मिलाने के बाद जो इंथैल्पी होगा है ना, यदि ये आपका सिंपल इस दोनों का जो इंथैल्पी होगा वो H1 है और इस दोनों का इंथैल्पी कितना है H2 कब मिलाने के बाद, शुरू में कितना था समझिएगा, शुरू में जितना इंथैल्पी होगा, इंथैल्पी क्या होगा अब AB के बीच गठबंधन कब होगा जब AA का बॉन्ड क्या होगा टूटेगा, BB का बॉन्ड टूटेगा और AB का बॉन्ड बनेगा, समझिएगा ध्यान से, तो इसके लिए क्या चाहिए हीट चाहिए,
एक्जो हो, एक्जोथर्मिक हो या इंडोथर्मिक हो, तो हमारे पास ए के बीच क्या थे, बॉन्ड है, बीबी के बीच बॉन्ड है, हम ए बी के बीच जब बॉन्ड बनेगा इसमें क्या होगा, पहले इसका बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा। तो इस बॉन्ड को टूटने में क्या होना चाहिए, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, बराबर है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, तो यहां पर कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। अब यहां पर क्या बना, ए बी बॉन्ड बना, तो जब ए बी बना तो बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। यहां बॉन्ड टूटने में यदि 100 लगे, ध्यान देना दोनों में, तो यहां पे बॉन्ड जब बनेंगे तो 100 ही क्या होंगे, रिलीज होंगे, मतलब जितना पहले लगा था तोड़ने में उतना ही यहां पे जब नया बॉन्ड बनेगा रिलीज होगा। तो नेट हीट कितना लगा, इंथेल्पी चेंज 0। क्लियर, शुरुआत में इसके बॉन्ड तोड़ने में कुछ लगे होंगे ना भाई, इसका अट्रैक्शन था ना, तो ये अट्रैक्शन टूटने में कुछ खर्चा, इसका भी अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन टूटने में खर्चा, तो कुछ खर्चा, कितना खर्चा, 100 किलो जूल। हमने इस दोनों को मिला दिया, अब क्या बन गई, ए बी, ए बी मतलब नया गठबंधन। क्लियर, और नया गठबंधन जो हुआ, क्लियर है, तो क्या कहलाएगा, ए बी। तो हमने क्या बोला, बॉन्ड डिसोसिएशन इज इंडो एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्जोथर्मिक प्रोसेस। क्लियर, तो यहां पे बॉन्ड को तोड़ने में ताकत लगा कितना, 100 किलो जूल, और जब यहां बॉन्ड नया बना किसके किसके बीच, ए बी के बीच, उतना ही एनर्जी क्या हुआ, रिलीज हुआ। तो ओवरऑल कितना एनर्जी लगा, कुछ लगा नहीं, पहले खर्चा हुआ था 100 और बनने के बाद 100 फिर मिल गया, तो नेट चेंज कितना, 0। तो ध्यान दीजिएगा, जो आइडियल सोल्यूशन होता है उसका डेल्टा एच 0। अब कोई बच्चा बोला सर ये डेल्टा भी 0 नहीं समझ में आया, बोले कोई बात नहीं, देखिए ए था मान लो इसका 100 ml वॉल्यूम है, बी बी है इसका 100 ml वॉल्यूम है, और जब इस दोनों को आपस में मिला दिए बाबू तो क्या बना, ए बी टाइप का सोल्यूशन बना। यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, 200 ml होगा, मतलब इसका हाइट में कोई राइज नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना, उसी अंदाज में होगा, कितना 200 ml की रेंज में, ऐसा नहीं हो जाएगा कि इसका वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। तो पहले 200 था, बाद में भी 200 था, मतलब नेट चेंज कितना हुआ, 0। तो हम कह सकते हैं डेल्टा भी 0। एक शब्द दिया है बाबू यहाँ, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा एस एक तरह से क्या होता है, रेंडमनेस को बताता है, इंट्रोपी है, जहां पे भगदड़ मची सोचो इंट्रोपी बढ़ा। सर भगदड़ क्या हुआ, अभी यहां पे कोई बोल दे सांप दिख गया भाई, जैसे क्लास में सांप दिखता क्या होता, बच्चे चिल्लाने लगते हैं, रेंडमनेस बढ़ गया, इंट्रोपी बढ़ गई। सिंपल है, हमने यहां पे ए ए बी बी आराम से था भाई, दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, थोड़ी देर के लिए क्या हो गए, भगदड़ मच गई, ए बी ए बी ए बी होने लगा, तो रेंडमनेस बढ़ गया, कोई दिक्कत नहीं। रेंडमनेस जब भी बढ़ेगा तो क्या होगा, एंट्रोपी पॉजिटिव, भगदड़ मची मतलब एंट्रोपी बढ़ गया, मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन 0। ओके, तो नेट हीट इंथैल्पी चेंज कुछ भी नहीं होगा, 0 होगा, जितना शुरू में बॉन्ड तोड़ने में लगेगा उतना ही बॉन्ड बनने में आएगा, डेल्टा वॉल्यूम जितना शुरुआत में वॉल्यूम होगा, मिलाने के बाद भी हाइट भी या जो भी वॉल्यूम उतना ही होगा, और एंट्रोपी चेंज होगा, पॉजिटिव होगा। एक ध्यान दीजिएगा अगला, आई थिंक आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा बाबू, नहीं आ रहा, आ रहा होगा, एग्जाम्पल को देखिए ना, आज समझ में आएगा कि अपन पर कहां रहे। एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन याद ही नहीं करने पड़ेंगे, ट्रिक, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, बेंजीन एंड टोलिन, फोटो बना दे, फोटो चलो बनाते हैं, ये बेंजीन हुआ बाबू और ये टोलिन हुआ, SH3 डाल देते हैं, पहला केस, ओके, दूसरा देखिएगा, नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन,
तीसरा और चलिए, क्लोरोबेंजीन। एक क्लोरोबेंजीन है, देखिएगा बेंजीन है, इसमें क्या लगा हुआ है, सीएल, तो क्लोरोबेंजीन। और ये ध्यान दीजिएगा, इसमें बी आर लगा हुआ, ये ब्रोमो बेंजीन हुआ। तो एक क्लोरो बेंजीन हो गया, दूसरा क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन हो गया बाबू। और चौथा नंबर अपन यहीं पे लिख देते हैं बाबू, समझिएगा, या पहले इसको बता देता, सिंपल ट्रिक, ये सब याद रखना है। कोई बोलेगा बेंजीन और टोल्यूइन क्या है, ये ना इसी का एग्जांपल, देखो ये बेंजीन है, ये टोल्यूइन है। बेंजीन और टोल्यूइन क्या है, ये टोल्यूइन है, ये बेंजीन है। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है, मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन बनाता है। सर याद करूं क्या, याद करना है नहीं। नॉर्मल हेक्सेन और नॉर्मल हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन है, बोलेगा इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन है। एग्जाम्पल दे दिया, आप यू बताओगे, टाइम नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं है ना। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन क्या है, क्या कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए सर कैसे पहचाने, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो हमको लगा हाँ है, क्यों है, कैसे पहचाने। तो सिंपल देखो बाबू, ट्रिक, अनुज ट्रिक कर लीजिएगा, है ना, अनुज ट्रिक। ट्रिक क्या होता है समझिएगा, पहले पहला ध्यान रखिएगा, यदि एक कार्बन का चेंज होगा, वन कार्बन चेंज, एक कार्बन चेंज होगा बाबू, तो वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट, यदि कार्बन में बराबर है, कार्बन क्या है, बराबर है, यहां ध्यान दीजिएगा, और ग्रुप में एक का चेंज होना चाहिए। अभी हम बहुत सारे एग्जांपल दो तीन करवा के देखेंगे, आपको टेंशन नहीं आएगा। हमने क्या बोला, कार्बन चेन सेम है ना, ग्रुप में एक चेंज, ये भी क्या होगा, आइडियल सोल्यूशन होगा, ये आइडियल सोल्यूशन होगा। तो ट्रिक क्या बताया आपको, ध्यान दीजिएगा, कार्बन में एक चेंज बाबू, कार्बन में एक चेंज और ग्रुप में एक चेंज, और कार्बन चेंज क्या होगा, बराबर होना चाहिए, तब वो आइडियल सोल्यूशन होगा। सर एग्जांपल देखें, बेंजीन कितने कार्बन भैया, गिनो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन, बोला हाँ या ना, हाँ, इसमें बोलो 1 2 3 4 5 6, ये 7 7 कार्बन। तो यहाँ पर ट्रिक क्या हुआ बोलो, 6 कार्बन 7 कार्बन, सर एक कार्बन का चेंज है, मतलब यह आइडियल सोल्यूशन है। क्लियर, यहाँ देखिए नॉर्मल हेक्सेन, हेक्स में कितना कार्बन होगा, 6, नॉर्मल हेप्टेन कितना कार्बन होगा, 7, एक में कितने कार्बन, 6 कार्बन, और एक में कितने कार्बन, 7 कार्बन। हमने बोला कार्बन में चेंज होना चाहिए, कितने कार्बन का, एक कार्बन का, एक कार्बन का चेंज होगा बाबू, ध्यान से सुन लो, एक कार्बन का चेंज, तो वो क्या कहलाएगा, आइडियल सोल्यूशन। ये भी एग्जांपल आइडियल सोल्यूशन का है। क्लियर, थर्ड नंबर ऑप्शन देखिए, क्लोरो बेंजीन ब्रोमो बेंजीन, सर कार्बन कितना है बोलो, 1 2 3 4 5 6 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 6, 6 6 बराबर, बराबर। सर इधर हम बोले यहां क्लोरो, यहां ब्रोमो, यदि बच्चा याद होगा तो याद होगा क्या बोलो, फिर कल बाहर आई आंटी, तब जो क्लोरीन और ब्रोमीन में चेंज होगा बाबू, वो कितने का होगा बोलो, ग्रुप में एक का जाएगा ना, डाउन में देख लो, सीएल कहाँ है, सीएल के बाद ब्रोमो। मगर कोई बोलेगा क्लोरीन और आयोडो होता तो यह आइडियल सॉल्यूशन को फॉर्मेशन नहीं करता, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्यों हुआ बोलो, 6 कार्बन तो है, 6 कार्बन यहां है, 6 कार्बन 6 कार्बन, कोई मामला नहीं। सर एक चेंजेस तो आने चाहिए, बोले क्या आया, क्लोरो ब्रोमो, ग्रुप में कितने का चेंज, एक का, एक के बाद आया ना। मगर यदि यह क्लोरो और एक आयोडो रहता तो यह आइडियल सॉल्यूशन सो नहीं करता।
कोई दिक्कत नहीं। तो आइडियल सोल्यूशन किसको कहेंगे? दो सोल्यूशन विच फॉलोज रॉल्स लॉ कॉल्ड क्या? आइडियल सोल्यूशन है ना, ए अट्रैक्टिव फोर्स बी बी अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू ए बी अट्रैक्टिव फोर्स, और तीसरा कंडीशन बोले डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो एंड डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। अपन समझे कि नहीं समझे? समझ गए ठीक। ओके नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये पे देखते हैं। एक और है मान लीजिए, एग्जांपल चौथा नंबर देखते हैं, सी एच थ्री सी एच टू सी एल एंड सी एच थ्री सी एच टू बी आर। ध्यान दीजिएगा, ट्रिक याद है? ट्रिक याद है? नहीं याद है फिर देखो ट्रिक। क्या ट्रिक था बाबू बोलो? एक कार्बन का चेंज होना चाहिए या ग्रुप में एक चेंज मतलब पोजीशन में एक का। ध्यान दीजिएगा, तो यहां से क्या हुआ देखो, दो कार्बन सेम, क्या कार्बन के चेंज में चेन में चेंज हुआ क्या? नहीं हुआ सर। यहाँ क्लोरो है, यहाँ ब्रोमो है, बोलो क्या होता? बोलो फिर कल बाहर आई आंटी। ध्यान दीजिएगा, तो क्लोरो ब्रोमो कितने से चेंज है? एक से चेंज है, तो यह आइडियल सोल्यूशन होगा। ध्यान दीजिएगा, कार्बन में कितने का चेंज? या तो कार्बन में एक का चेंज या तो ग्रुप में एक का चेंज, तो वो आइडियल सोल्यूशन होगा। याद रखिए, अब यदि यहीं पे कोई बोल दे बाबू, ट्रिक तो याद रखिएगा, कोई बोल दे, क्या बोल दे सर? सी एच थ्री सी एच टू सी एल एंड बोलिए सी एच थ्री सी एच टू आई, क्या आइडियल सोल्यूशन है? हम बोलेंगे भैया कार्बन कितने? दो। ग्रुप में चेंज कहाँ? यहाँ क्लोरो यहाँ आयोडो। देखो कितना आया, आजू बाजू तो नहीं है, दूर हो गया, हम बोले आजू बाजू। ग्रुप में क्या होना चाहिए बोलो? आजू बाजू। ग्रुप में क्या होना चाहिए बोलो? आजू बाजू। यहाँ क्या है बोलो? आजू बाजू नहीं हो करके पड़ोसी के पड़ोसी है, ये हमारा पड़ोसी और ये पड़ोसी का पड़ोसी, तो पड़ोसों के पड़ोसी का पड़ोसी रहने से आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। कब आइडियल सोल्यूशन होगा? जब पड़ोसी होगा तब, मगर कार्बन में तब कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, या तो कार्बन में चेंज, कितने कार्बन? एक कार्बन का चेंज होना चाहिए, और या तो पड़ोसी होना चाहिए, तब कार्बन का चेंज क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ कार्बन का चेंज क्या है? बराबर है, मगर यहाँ क्लोरो है यहाँ आयोडो है, पड़ोसी का देखो, ये तो मेरा पड़ोसी या तो ब्रोमो या तो मेरा पड़ोसी फ्लोरो, क्लोरीन का पड़ोसी आयोडीन नहीं है, ये पड़ोसी का पड़ोसी है, तब यह आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। क्लियर सर? पांच कार्बन और सात कार्बन होगा क्या आइडियल सोल्यूशन? ऐसा नेक्स्ट एग्जांपल, सी 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 क्या है? पेंटेन है एंड बोलो एक दो तीन चार पांच छ सात, क्या ये आइडियल सोल्यूशन होगा क्या? कितने कार्बन? तीन दो पांच, कितने कार्बन? तीन तीन छ एक सात, एक में पांच कार्बन दूसरे में सात कार्बन, कितने कार्बन का चेंज? दो कार्बन का चेंज, कितने कार्बन को हम झेल सकते हैं? एक कार्बन, एक कार्बन रहेगा, या तो एक कार्बन का चेंज या तो ग्रुप में हो तो पड़ोसी होना चाहिए, कार्बन हो तो एक कार्बन का चेंज, नहीं तो ग्रुप में हो तो पड़ोसी होना चाहिए, यह आइडियल सोल्यूशन नहीं होगा। ओके चलो नेक्स्ट आइडियल सोल्यूशन के लिए ग्राफ देखते हैं वो। बहुत खूबसूरत तरीके से, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उस चीज का हम रिप्लाई आपको देंगे ठीक। ओके और ध्यान दीजिएगा, ग्राफ ऑफ आइडियल
सॉल्यूशन। बहुत खूब। और ध्यान दीजिएगा, हमने पहले बताया था रॉल्स लॉ किसको, आइडियल सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो जो आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ होगा वही ग्राफ किसका होगा, रॉल्स लॉ का होगा। तो ग्राफ ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, या और यदि कोई रॉल्स लॉ का भी ग्राफ पूछेगा तो इसी को बना देंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्राफ को हम लोग देखते हैं। यहां हम लिख रहे हैं, मान लो ये x a बराबर 1, चलो, और x b बराबर 0, दिख रहा होगा, चलो ठीक, ओके। यहां हम लिख लिखा बोलो x b बराबर 1, x a बराबर 0। आत्मा से हर चीज का मतलब समझिए पहले। ये पॉइंट, ये लाइन किसका है, मोल फ्रैक्शन का लाइन है। इधर भी है, इधर भी है। और ये वाला जो ऊपर वाई एक्सिस में, ये क्या है, वेपर प्रेशर। ये वाई एक्सिस में क्या बोलो, वेपर प्रेशर। अब आत्मा से आप बताइएगा, इस पॉइंट पे दिख रहा है ना, इस पॉइंट पे एक्स ए कितना है, 1 मोल। एक्स ए कितना है, 1, मतलब मोल फ्रैक्शन 1। तो हम बोले मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो यदि एक्स ए 1 है बाबू, तो एक्स बी कितना होगा, एक्स बी 0। एक्स ए बराबर 1 तो एक्स बी कितना है, 0, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का प्लस जोड़ कितना होगा, वहां पे भी जब हम लोग वेपर में पढ़े थे, वेपर फेज में, तो वहां भी गामा है, और गामा बी का भी मान कितना होता, 1 ही होता है, ये भूल गए थे, देखिए ठीक। तो कहीं पे भी मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो कितना होगा, 1 होगा। यदि यहाँ एक्स ए 1 है तो एक्स बी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। जिस तरह परसेंटेज का सम कितना होता है, 100, तो उसी तरह मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, इस पॉइंट पे क्या बोल रहा है कि हम एक्स ए 1 है, इसका मतलब एक्स बी 0 है। यह सोल्यूशन एक्स ए 1 का इंडिकेट ये कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कौन है, ए है। समझिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पे क्या इंडिकेट कर रहा है, एक्स ए 1 एक्स बी 0, मतलब यह बता रहा है कि यहां पे सिर्फ हम ही हैं, हम ही हैं, मतलब कौन है, ए है। तो ए क्या है, यहां पे प्योर है। तो भाई हम बोलेंगे एक्स ए 1 है, एक्स बी 0, इसका मतलब यहां पे कौन है, सिर्फ एक्स ए है, मतलब वो कौन सी स्टेट में है, प्योर स्टेट में है। एक्स ए 1 है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक्स बी 0 है, और एक्स बी 0 है, इसका मतलब ए कौन से स्टेट में है, प्योर स्टेट में है। और जब एक्स ए का मान बाबू 1 होगा, प्योर स्टेट में होगा, तो मतलब मोल फ्रैक्शन एक्स ए का 1, ये इंडिकेट किया हम प्योर स्टेट में है। और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होता है, याद करो वो दिन, कितना होता है बोलो, पी नॉट ए। प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट ए। जब एक्स ए 1 होगा प्योर स्टेट में, तो इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर कितना होगा, मान लो ये हमने कर दिया, छोटा सा कर दे दो, बोलो पी नॉट ए, ध्यान दीजिएगा। और यहां जब एक्स ए 1 है, हम क्या देख रहे हैं, यहां पे एक्स ए 0 है, इसका मतलब इधर से इधर जा रहा है, तो ए आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। इधर से इधर जा रहा है तो ए क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक्स ए कितना है, 1 है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे एक्स ए 0 है, मतलब इधर से इधर घट रहा है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि सोल्यूशन में ए घट रहा है। और ध्यान दीजिए, सोल्यूशन में जितना ए होगा उतना ही ना ऊपर जाएगा, उतना ही ना वेपर प्रेशर लगाएगा। तो यदि सोल्यूशन में ए घटेगा, सोल्यूशन में देखो एक्स ए 1 है, एक से 0 है, मतलब इधर से इधर जा रहा है, तो ए क्या हो रहा है, घट रहा है। तो सोल्यूशन में ए घट रहा है, तो ए यदि कम होगा सोल्यूशन में, तो ऊपर भी क्या जाएगा, कम। और यदि ऊपर कम जाएगा तो प्रेशर भी क्या लगाएगा, कम। तो यदि जिसका भी मोल फ्रैक्शन घटेगा सोल्यूशन में, तो उस वो तो है ही नहीं, कम है, कम है, तो ऊपर भी कम ही जाएगा, ऊपर से प्रेशर भी क्या लगेगा, कम ही लगेगा। मतलब यहाँ पे एक्स ए 1 है, इसका जो वेपर प्रेशर होगा वो मैक्सिमम होगा, ध्यान दीजिएगा। और क्या होगा बोलो, यहां पे एक्स ए 0 है,
यहाँ पे सोल्यूशन में कुछ है ही नहीं, ए है ही नहीं, तो क्या ए का वेपर प्रेशर कुछ होगा यहाँ पे? नहीं, ए का वेपर प्रेशर कितना होगा? जीरो। क्यों होगा? हम ए वाला ग्राफ देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक्स ए है ही नहीं, इसका वेपर प्रेशर जीरो। तो आप बोलो यहाँ पे इतना पी नॉट ए और यहाँ पे जीरो, इस लाइन को हम ऐसे मिला सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां देखिए, यहां पे कौन है? एक्स भी वन है, नहीं दिख रहा क्या? मिट गई, ओहो सर दिख ही नहीं रहता। यहां पे एक्स ए बी इतना एक कोमा लिख देते हैं, एक्स ए दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ऊपर और कर लो एक्स ए जीरो, अब दिख रहा है, दिख रहा है। चलो इसको थोड़ा साफ से लिख देता हूं, एक्स बी वन इस पॉइंट पे और एक्स ए का मान जीरो, अब दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अब देखिए इस पॉइंट पे, मतलब इस जगह एक्स बी का मान कितना है? वन है, मतलब ये इंडिकेट किया एक्स बी हम वन है, मतलब यहाँ पे एक्स ए जीरो है, और जब बी वन होगा तो इसका मान कितना होगा? मैक्सिमम होगा। इस पॉइंट पे बी का मान कितना है? एक्स बी वन है, तो इसका मान मैक्सिमम होगा, इसका मान मैक्सिमम होगा, तो ये हमने क्या रख दिया यहाँ पे? पी नॉट बी। और ध्यान दीजिएगा, और देखो एक्स बी यहाँ वन है, एक्स बी यहाँ जीरो है, इसका मतलब इधर से इधर आ रहा है बी का मोल क्या हो रहा है? घट रहा है, और बी का यदि मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो बी का मोल भी घटेगा, और बी का मोल घटेगा सोल्यूशन में तो बी ऊपर में कम जाएगा, कम जाएगा तो कम प्रेशर लगाएगा। तो यहां से हम लोग ठीक ध्यान दीजिएगा, और दोनों को ऐसे करके क्या कर दिए, इस पॉइंट को मिला दिए। तो ये किसका ग्राफ हो गया? पी नॉट ए मैक्सिमम से लेके जीरो तक, ये किसका ग्राफ हो गया? पी ए का ग्राफ है। ये देखो मैक्सिमम पी बी है, तो ये किसका ग्राफ हो गया बोलो? पी बी का ग्राफ है। और ये किसका ग्राफ है बोलो? पी एस का ग्राफ है, और पी एस बराबर क्या होता है बोलो? पी ए प्लस पी बी। क्लियर? रॉड्स लॉ के लिए पूछे, आइडियल सॉल्यूशन के लिए पूछे, यही ग्राफ बनाएंगे। फिर से समझ लीजिएगा, आपके लिए हम बार बार समझाते हैं, मगर आपको समझना जरूरी है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले? एक्स ए वन एक्स बी जीरो, तो ये क्या हुआ? देखो इस पॉइंट पे एक्स ए वन एक्स बी जीरो, इसका मतलब प्योर सिर्फ ए है, ए का क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ज्यादा, तो मोल फ्रैक्शन ज्यादा तो ए यहाँ सिर्फ प्योर स्टेट में होगा। क्यों होगा? सिर्फ ए ही है ना, बी तो जीरो है, तो प्योर स्टेट में कितना होता है? पी नॉट ए। अगला यहाँ पे कौन है? एक्स बी वन है, एक्स ए क्या है? जीरो, तो प्योर स्टेट में बी क्या होगा बोलो? इस पॉइंट पे पी नॉट बी। सर इधर ऐसे कहे गिरा दिए, तो हम बोले एक्स बी यहां से यहां आया क्या हो गया? जीरो हो गया, तो एक्स बी इधर से इधर आ रहा है क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अरे एक्स बी इधर से इधर आ रहा है क्या हो रहा है? जीरो हो गया, कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, इसका भी वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम होगा। एक्स ए यहाँ पे कितना है? वन है, इधर से यहाँ पे जीरो हो गया, मतलब इधर से इधर क्या होगा? घट जाएगा। और ये इसका लाइन हुआ, तो ये किसका वाला हुआ? पी ए वाला, ये किसका? पी बी वाला, और ये पी एस वाला, ये ग्राफ हो गया। अब एक बात बच्चा पूछेगा, यदि समझदार बच्चा होगा तो एक बात पूछेगा, क्या पूछेगा ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या पूछेगा एक बात बोलिए? एक बात पूछेगा बच्चा कि सर यहाँ पे हाइट इतना है और यहाँ पे हाइट इतना है, पर नहीं लग रहा? अभी लग रहा तो सर क्यों? हम बोले कि बाबू यहाँ रीजन एक ही चीज है कि ए जो है यह कम वेपर प्रेशर शो कर रहा है प्योर होने के बाद भी, और बी क्या है? प्योर होने के बाद ज्यादा वेपर प्रेशर शो कर रहा है, कर रहा है ना, वेपर प्रेशर का एक्सिस में ज्यादा है, ये क्या है? कम है। तो इसका मतलब ए जो है लेस वोलेटाइल होगा और बी क्या होगा? मोर वोलेटाइल होगा। ए लेस वोलेटाइल, जो कम वोलेटाइल होता है वो क्या होता है? कम वोलेटाइल होगा तो वो जल्दी वाष्प में नहीं बनेगा, मतलब उसमें वेपर का फॉर्मेशन कम होगा, तो ए क्या है? लेस वोलेटाइल, इसलिए इतने तो हाइट, और बी क्या है बोलो? मोर वोलेटाइल, इसलिए यहाँ पे प्रेशर का फॉर्मेशन क्या हो गया? ज्यादा, इसलिए यहाँ हाइट ज्यादा, यहाँ हाइट कम। ओके,
तो कभी भी हाइट यदि अंतर रहेगा तो समझ जाइएगा ये क्या है, लेस वोलेटाइल, दूसरा क्या है, मोर वोलेटाइल। आइडियल सॉल्यूशन कंप्लीट है, अब अपन पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान दीजिएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको कहेंगे बोलो, समझ सकते हैं, लिख लेते हैं बोलो, दोज सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करे क्या कहलाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब सर क्या, तो ए अट्रैक्टिव फोर्स, बी भी अट्रैक्टिव फोर्स, ए भी अट्रैक्टिव फोर्स के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा देखेंगे। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं जो रॉल्स, अब क्या हो सकता है इसका मतलब, कंडीशन क्या हो सकता है, इस सॉल्यूशन में डेल्टा एच वहां पे क्या होता था, आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो और डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, और जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा बाबू तो डेल्टा एच वहां आइडियल में क्या होता था जीरो, तो यहाँ पे जीरो नहीं होगा, डेल्टा वी क्या होता था जीरो, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, और डेल्टा एस ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, आइडियल हो कि नॉन आइडियल हो। हम क्या कह सकते हैं, दो सॉल्यूशन विच डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ क्या कहलाएगा बोलो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का ये कंडीशन था तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इक्वल टू जीरो नहीं होगा और डेल्टा एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब आगे क्या करें, कोई दिक्कत और भी कुछ ना, हम वहां क्या पढ़े थे बोलो बाबू, पी एस बराबर पढ़े थे बोलो, पहले आ जाते हैं, पढ़े थे पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, क्लियर पढ़े थे ना, नहीं पढ़े थे, सिर्फ कंडीशन लिखे थे, तो बराबर होता है ध्यान दीजिएगा। आइडियल में क्या होगा बोलो, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी बी बराबर क्या होगा बोलो, पी नॉट बी एक्स बी, तो पी एस बराबर आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता, पी नॉट ए बोलो, सॉरी पहले लिख लो, पी ए प्लस पी बी, इसका मतलब पी एस जो होता वो क्या होता, पी नॉट ए एक्स ए होता प्लस पी नॉट बी एक्स बी होता, ध्यान दीजिए ये कहां पे होता, आइडियल का कंडीशन, यदि छूट गया तो उसको लिख लीजिएगा, आइडियल का कंडीशन क्या होगा, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, और पी एस बराबर पी ए प्लस पी बी होता है, तो पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट ए बी एक्स बी, मतलब यह तो आइडियल में होता तो नॉन आइडियल में ये नहीं होगा, क्लियर, आइडियल में ये बराबर होगा नॉन आइडियल में ये नहीं होगा, इसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक क्लियर। चलिए तो यहां पे हम थोड़ा सा फिर से समझा देते हैं, बहुत बच्चे यदि कुछ छूट गया होगा तो देख लीजिएगा, एक तरफ हम लिखते हैं आइडियल, दूसरी तरफ नॉन आइडियल। आइडियल में क्या बोले बोलो, डेल्टा एच इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इक्वल टू जीरो, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो, ध्यान दीजिएगा, और बोलो क्या, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स ए, बोलो पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, और बोलो पी एस बराबर पी नॉट पी ए प्लस पी बी, या पी एस बराबर P not A X A plus P not B X B, क्लियर ठीक नहीं रहा, क्या लिख देता हूं, पी एस बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और नॉन आइडियल होता बोलो, डेल्टा एच बराबर जीरो नहीं होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू नॉट जीरो, डेल्टा एस क्या होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, बोलो पी ए बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए, बोलो पी बी नहीं होगा बराबर पी नॉट बी एक्स बी, बोलो
और पी एस बराबर नहीं होगा किसका, पी ए प्लस पी बी, और सिमिलरली आगे भी लिख सकते हैं पी एस बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। नहीं दिख रहा तो समझ में तो आ गया होगा, नीचे वाला दिक्कत नहीं। चलो वेरी गुड, तो आइडियल सोल्यूशन नाम आइडियल सोल्यूशन समझ गए, जो रोल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, मतलब ए अट्रैक्टिव फोर्स बी बी अट्रैक्टिव फोर्स इज नॉट इक्वल टू ए बी अट्रैक्टिव फोर्स, तो सर क्या होगा, तो अब या तो ज्यादा हो जाएगा नहीं तो कम हो जाएगा, या तो ज्यादा हो जाएगा नहीं तो कम हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से। तो अगला लिख सकते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन शोज टू टाइप्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन मतलब चेंजेस, एक तरह से नॉन आइडियल सोल्यूशन कितने तरह का डेविएशन शो करता है, दो तरह का डेविएशन शो करता है बाबू, पहला नॉन आइडियल, या लिख दो सीधे नेगेटिव डेविएशन, लिख दो नेगेटिव डेविएशन, पहले पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव डेविएशन। अब क्या होता है पहले समझिएगा ध्यान से, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, ए अट्रैक्टिव फोर्स बी बी अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन, मतलब बाद में क्या होगा बड़ा हो जाएगा, ए अट्रैक्टिव फोर्स बी बी अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन ए बी अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान दीजिएगा। यहां तो हम लोग लिख सकते हैं इफ ए ए अट्रैक्टिव फोर्स बी बी अट्रैक्टिव फोर्स इज, बोलो greater than AB attractive force, if A attractive force BB attractive force is greater than AB attractive force, A का बीच में जो attractive force है BB के बीच लगने वाला force वो क्या है आपका, ए बी के बीच लगने वाला फोर्स से क्या है ज्यादा है, इसका मतलब ए जोर से पकड़ के रखेगा बीबी भी जोर से पकड़ के रखा तो यहां से क्या होगा आपको ए बी क्या होगा हाइट क्या होगा बढ़ जाएगा, सिंपल यहां समझिएगा तभी क्लियर होगा आपका, तब आगे यहां पे कुछ लिखेंगे। हम यहां ग्राफ बनाते हैं, ऐसा कुछ ग्राफ था, अब तो तेजी से हो जाएगा, बोलो हमने यहाँ क्या किया, तो बोलो एक्स ए बराबर वन तो एक्स बी कितना बाबू जीरो, यहां बोलो क्या कर दूं एक्स बी बराबर वन तो एक्स ए कितना बाबू जीरो, क्लियर, एक्स ए बराबर वन तो एक्स बी जीरो, एक्स बी बराबर वन तो एक्स ए जीरो, ठीक। जब एक्स ए वन होगा मतलब ए का मोल फ्रैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब वो क्या है प्योर स्टेट में है, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटी नहीं है, तब उसका जो वेपर प्रेशर क्या होता है, बोलो ये मोल फ्रैक्शन का लाइन था ना, ये मोल फ्रैक्शन ये वेपर प्रेशर का लाइन है, आपको बताई थी जब एक्स ए क्या होगा वन एक्स बी जीरो, यदि वन है इसका मतलब ये प्योर स्टेट में, और प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर क्या होता है बोलो, इस पॉइंट ले लिए पी नॉट ए, क्लियर। इस बार हम लोग यहाँ डॉटेड लाइन से इंडिकेट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल लाइन को हम लोग इंडिकेट करेंगे फुल लाइन से, ठीक। बोलो एक्स बी वन तो इसका वेपर प्रेशर कितना होगा बोलो पी नॉट बी, क्लियर, एक्स बी वन मतलब प्योर स्टेट में तो मैक्सिमम होगा पी नॉट बी, क्योंकि यहाँ कुछ है तो नहीं, और फिर बताए थे एक्स बी इधर से इधर क्या हो रहा है घट रहा है, देखो एक्स बी जीरो हो गया, यदि एक्स बी घट रहा है तो मोल फ्रैक्शन घट रहा है तो वेपर प्रेशर भी बी का क्या होगा घटेगा, यहाँ वेपर प्रेशर बी का क्या होगा ज्यादा होगा, क्यों वन है मैक्सिमम है,
ठीक। और सबको पता है ये वाला किसका ग्राफ, तो अब ये वाला क्या करते हैं अपन, मिला दिए। ये कब रहता यदि ये आइडियल सॉल्यूशन होता तब। अब बात में क्या बोला, पॉजिटिव डेविएशन मतलब मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर है पहले की अपेक्षा बढ़ गया। सर कैसे बढ़ा, तो वही तो लाइन लिखे पॉजिटिव डेविएशन की, मतलब मिलाने से पहले ए के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा था, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा था, किसके कंपेरिजन में, एबी के बीच लगने वाला फोर्स से। यदि एबी के बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाए बाबू, यदि एबी के बीच लगने वाला फोर्स कम हो जाए, खुद से सोच सकते हैं, तो क्या होगा, स्कैपिंग टेंडेंसी बढ़ जाएगी। मान लो हम यहां बैठे हुए हैं और यहां पे और कोई मेरा मित्र बैठा हुआ है, हम जोर से पकड़ के रखेंगे इसको, क्या ऊपर जाएगा, और यदि हल्के से पकड़े होंगे तो क्या होगा, ऊपर जाएगा। तो समझिएगा हम क्या बोले, ए के बीच लगने वाला फोर्स मतलब प्योर स्टेट में, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स इज ग्रेटर देन, मतलब ए के बीच लगने वाला फोर्स, यहां लिख सकते हैं बोलो, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, ग्रेटर है किससे, ए बी के बीच लगने वाला फोर्स। हम तो यहां मिला के ना बोल रहे हैं, मतलब बाद में क्या हो रहा है, फोर्स घट जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, पहले फोर्स क्या था बोलो, ये दोनों क्या था, ज्यादा था, ज्यादा फोर्स अट्रैक्शन, और बाद में क्या हो गया, कम फोर्स, और यदि कम फोर्स होगा इसके बीच तो इसका उड़ने का स्कैपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा बाबू, बढ़ जाएगा। क्यों, ए के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा था, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स पहले ज्यादा था, ध्यान दीजिएगा, ए के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा, मगर जैसे हमने मिलाया क्या बन गया, ए बी, तो ए बी के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, कम है, तो ए बी के बीच लगने वाला फोर्स यदि कम है तो ये क्या होगा, उड़ने का नेचर होगा, उड़ने का नेचर, समझ में आ रहा है ना, इसका तो क्या हुआ, स्कैपिंग टेंडेंसी। तो क्या होगा, ग्रेटर देन, देखो लिख दिए, इफ ए अट्रैक्टिव फोर्स बीबी अट्रैक्टिव फोर्स इज ग्रेटर देन, मतलब वो बड़ा है, ए बड़ा है और बीबी बड़ा है किससे, एबी अट्रैक्टिव फोर्स से, देन स्कैपिंग टेंडेंसी टेंडेंसी इंक्रीजेस, देयरफॉर वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। तो पहले हम नॉर्मल ऐसा मानते जैसे हम बोले ए के बीच लगने वाला फोर्स, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स क्या है, शुरुआत में जब अलग अलग था, जोर से था, जोर से जैसे मिलाए तो फोर्स क्या हो गया, कमजोर। पहले वेपर प्रेशर कुछ होता तो फोर्स क्या हो गया, कमजोर, इसका मतलब क्या होगा, अभी ना बोले ए के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा, ए बी के बीच लगने वाला फोर्स कम, जैसे मिलाए फोर्स क्या हुआ, कम, टेम्परेचर आया टाक उड़ गया, तो वेपर प्रेशर बढ़ गया पहले से। तो ये ऐसा नहीं होकर के इसका क्या होता है, बढ़ जाता है, नॉर्मल से बढ़ जाता है। ये किसका ग्राफ है, देखो पी नॉट बी मैक्सिमम से घट रहा है, ये पी बी है, तो ये क्या होगा, पहले से बढ़ जाएगा। ये किसका ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये भी पहले से बढ़ जाएगा जो नॉर्मल कंडीशन होगा उससे, और ये क्या है सोल्यूशन का, ये भी बढ़ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ हो गया, पी एस, ये किसका हो गया बोलो, पी बी हो गया, और ये क्या हो गया बोलो, पी ए हो गया, क्लियर है, ऊपर वाला पी एस, ये पी बी और ये पी ए, और पी एस जो होगा ध्यान दीजिएगा, पी एस ग्रेटर होगा किससे, अभी बता देते, समझाया कि नहीं आया, ए के बीच लगने वाला पहले फोर्स ज्यादा, बीबी के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा, और जैसे इसको क्या किया, आपस में मिला दिए बाबू, तो अब क्या बन गया, ए बी बना, और ए बी के बीच लगने वाला फोर्स क्या हो गया बोलो, कम हो गया, और यदि कम होगा तो ये उड़ेगा, ये पहले जो नॉर्मल वेपर प्रेशर होगा उससे क्या हो गया, बढ़ गया, इसमें भी नॉर्मल जो था उससे बढ़ गया, इसमें जो नॉर्मल था उससे बढ़ गया, दिस इज पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर, रिविजन कर लेंगे फिर से एक दिन। तो यहां पे इस केस में क्या होगा, हम बोले बराबर नहीं होगा, तो क्या होगा बोलो, पी एस, ध्यान दीजिएगा, बराबर नहीं होगा तो क्या होगा बोलो, पी एस बोलो ग्रेटर देन, क्या होगा बोलो, पी ए प्लस
पीबी होगा, बराबर तो नहीं होगा। रोल्स लॉ आइडियल में बराबर होता है, इसमें बराबर नहीं होगा। बराबर नहीं होगा तो या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा तो बड़ा होगा, है ना। तो पी एस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। उसी तरह इसको पी ए बराबर क्या होता था बोलो, पी नॉट ए एक्स ए होता था, मगर यहां बराबर नहीं होगा, क्या होगा ज्यादा होगा। पी बी क्या होगा बोलो, ए बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बोलो, पी नॉट बी बोलो एक्स बी। क्लियर, ओके फाइन, ये कोई दिक्कत है ना, पॉजिटिव डेविएशन देख रहे भाई। उसी तरह कंडीशन सारे चीज क्या हो जाएंगे बोलो, डेल्टा एच बराबर होता था आइडियल में, यहां बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, या तो बड़ा होगा नहीं तो छोटा होगा, पॉजिटिव डेविएशन है बड़ा हो जाएगा। डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा एच तो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन हो गए किसके लिए, पॉजिटिव डेविएशन के लिए। दैट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं सर, एग्जाम्पल हो जाता तो मजा आ जाता, बता रहे क्या दिक्कत है। आज तो पढ़ेंगे अपन ज्यादा टाइम तक, भले रिवीजन करवा दूं अगले दिन, आज तो खत्म करूंगा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, पहला एग्जाम्पल देखिए, देखिए पहला एग्जाम्पल है मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल, दूसरा मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, तीसरा लिखेगा इथेनॉल एंड वाटर। अब बहुत ध्यान दीजिएगा, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन है, मिक्सचर ऑफ सी एच टू एंड एसीटोन है, और इथेनॉल एंड वाटर। सर क्या हो गया, आखिर पॉजिटिव डेविएशन क्यों शो किया, बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज है, और चूंकि इसका जिक्र आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये सब एनसीईआरटी से ही लिया गया एग्जांपल है, तो जब इसका जिक्र एनसीईआरटी में दिया है तो इसको हमको समझना बेहतर तरीके से जरूरत है, तो हम समझेंगे। क्लियर, देखिए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ सी एच टू एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड वाटर। तो सबसे पहला चीज हम समझते हैं, ये एग्जांपल लिख लिए होंगे, मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन। जब हम लोग इथेनॉल को देखते हैं, शब्द में लगाओ इथेनॉल, इथेन में ओल, तो ये हो गया सी टू एच फाइव ओ एच, एसीटोन है ना, क्या होगा बोलो, ए सी डबल बॉन्ड ओ, एक कार्बन इधर सी एच थ्री, एक सी एच थ्री इधर, ऐसा करते हैं, चेन कितने कार्बन का बन गया, दिक्कत नहीं है। क्लियर, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा बाबू, इसमें क्या होता है कि इथेनॉल में बहुत सारा इथेनॉल होगा है ना, तो उसमें इथेनॉल और ऑक्सीजन के बीच क्या होता है, इथेनॉल में जब प्योर इथेनॉल होता है, ये मान लो पहले इथेनॉल होगा, तो सी टू एच फाइव ओ एच के बीच एच बॉन्डिंग होता है बहुत तगड़ा, एच बॉन्डिंग क्या होता है, बहुत तगड़ा होता है, इसके बीच सी टू एच फाइव और ओ एच के बीच एच बॉन्डिंग बहुत बेहतरीन होता है, और जब एच बॉन्डिंग इसका हुआ तो सिंपल सोच सकते हैं क्या होगा, इसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होता है, एच बॉन्डिंग होता है ऐसा, और ये एसीटोन क्या होता है, ये एसीटोन अपना अलग है, एच बॉन्डिंग होने से चीज क्या होता है, मजबूत होता है, मतलब जोर से पकड़े हुए, जब ये प्योर इथेनॉल था तो जोर से पकड़े हुए था, ये एसीटोन अलग था, और अब क्या हुआ मिक्सचर, तो ये एसीटोन इस इथेनॉल में आकर के गिर गया, इसका मतलब इथेनॉल का बहुत सारा मॉलिक्यूल था, ये एक इथेनॉल बोलो, ये दूसरा इथेनॉल, ये तीसरा इथेनॉल, समझिए इस सबके बीच क्या है, एच बॉन्डिंग हो रहा है,
अच्छा मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एच और उसके ओ के बीच क्या हो रहा है, एच बॉन्डिंग हो रहा है। और जब ये एच बॉन्डिंग हो रहा था तो ये बहुत मजबूत था, मतलब ये जाना नहीं चाह रहा था ऊपर। और फिर क्या हुआ, जैसे हम मिक्सचर बनाए, मतलब इसको कहाँ डाल दिए, यहाँ अब डाल दिए, तो क्या हुआ, ये एसीटोन इस इथेनॉल के बीच बीच में आ गया बाबू। इथेनॉल के क्या हो गया, बीच बीच में आ गया। मान लो हम है चार गो, मेरा दोस्त है, हम बहुत तगड़ा बॉन्ड बनाए हुए, जोर जोर से पकड़े हुए, एक दो तीन चार, इस तरह से जोर जोर से पकड़ के तगड़ा बॉन्ड बना दिए। अब बीच में क्या हुआ कि कुछ और भी आ गए लोग, कमजोर वाले, वो हमारे बीच बीच में आ गए। अब हमारा क्या होगा, बॉन्ड्स क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, मतलब हमारा स्कैपिंग टेंडेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब मेरा वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब हम कैसा डेविएशन शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर, ठीक। तो आपको बता दिए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन क्यों बाबू, तो इथेनॉल के बीच क्या होता है, एच बॉन्डिंग होता है, समझिएगा ध्यान से, इथेनॉल के बीच क्या होता है, एच बॉन्डिंग होता है ना, ध्यान दीजिएगा। इथेनॉल के बीच कौन सा बॉन्ड होगा बोलो, एच बॉन्ड होगा। और इसके बाद क्या होता है, इस एच बॉन्डिंग में कौन एंट्री मार दिया, एसीटोन मार दिया, और एसीटोन जैसे बीच बीच में आ गया तो इसका एच बॉन्डिंग क्या हो गया, कमजोर हो गया, कमजोर हो गया, इसका मतलब बॉन्ड कमजोर, मतलब भागने का नेचर बढ़ गया, भागने का नेचर बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, इसे पॉजिटिव डेविएशन हो जाता है। उसी प्रकार आपका CH2 और एसीटोन जो है वो भी क्या होता है, वो भी क्या करता है आपका, कम शो करता है, और इथेनॉल और वाटर भी करता है, याद रखने एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो इन नॉर्मली पॉजिटिव डेविएशन वो शो करेगा जिसके अंदर एच बॉन्डिंग पहले से होगा और कोई दूसरा मान लीजिए एंट्री हुआ और उसका एच बॉन्डिंग को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, बॉन्डिंग को कमजोर कर दिया, मतलब उड़ने का टेंडेंसी बढ़ गया, इसका मतलब वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक डालिएगा दूसरा, कौन सा बोलो, नेगेटिव डेविएशन है ना, कौन है ना, नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिख सकते हैं, ऐसे करके कैसे लिख सकते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो नेगेटिव डेविएशन को शो करता है बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो अब इसका क्या लिख सकते हैं, कंडीशन बता ही दिए थे, इफ हम बोले ए अट्रैक्टिव फोर्स बी बी अट्रैक्टिव फोर्स इक्वल टू ए बी अट्रैक्टिव फोर्स दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, नहीं बराबर होगा तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो क्या होगा, या तो ज्यादा होगा या तो कम होगा। तो ज्यादा हम पढ़ लिए ए है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेगेटिव डेविएशन है मतलब घट जाएगा, इफ बोलो ए ए अट्रैक्टिव फोर्स बी बी अट्रैक्टिव फोर्स है ना इज ग्रेटर देन, वो फोर्स ज्यादा नहीं, ए अट्रैक्टिव फोर्स बी बी अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस देन ए बी अट्रैक्टिव फोर्स, ध्यान दीजिएगा, ए अट्रैक्टिव फोर्स बी बी अट्रैक्टिव फोर्स इज लेस देन ए बी अट्रैक्टिव फोर्स, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, ए के बीच लगने वाला फोर्स बी बी के बीच लगने वाला फोर्स कम है, और जैसे ए बी को मिला दिए फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब उड़ने का टेंडेंसी क्या हो गया, घट गया, समझिएगा। हम क्या लिखे बोलो, ए का फोर्स बी बी का फोर्स क्या है, कम है किससे बोलो, ए बी का फोर्स, तो ए बी का फोर्स क्या हो गया, ज्यादा हो गया, ये कौन हो गया, सोल्यूशन। तो पहले क्या था, फोर्स उसमें कम लगता था, बाद में जैसे मिलाए फोर्स क्या हो गया, जोर से लग गया, और यदि फोर्स जोर से लग गया बाबू, नीचे से गर्म करोगे क्या, उड़ के जाएगा क्या, उड़ के जाएगा क्या, उड़ के जाएगा क्या, कम जाएगा कि ज्यादा जाएगा, सर फोर्स बहुत तगड़ा है तो ऊपर नहीं जाएगा, मतलब कम जाएगा, सर कम जाएगा तो वेपर प्रेशर क्या होगा, पहले से घट जाएगा, मतलब यदि फोर्स ए बी का क्या होगा, कम होगा तो जल्दी उड़ेगा, ए बी का फोर्स क्या होगा, बहुत तगड़ा होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा, समझिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, क्लियर।
सर ग्राफ बता देते, हमने क्यों नहीं बताएंगे भाई, सब कुछ बताएंगे, सिंपल ग्राफ। बोलो यहां क्या करेंगे, एक्स ए बराबर वन, एक्स बी बराबर जीरो, बोलो एक्स बी बराबर वन, एक्स ए बराबर जीरो, है ना। एक्स ए वन तो इसका पी नॉट ए, और कल बताए थे आपको, आज ही बताए थे, क्या बताए थे भाई, बोलो ये डॉट डॉट क्यों कर रहे हैं, ये ओरिजिनल ग्राफ नहीं है। एक्स बी बराबर बोलो या पी नॉट बी, यहां से डॉट डॉट करते खींच लो, ठीक, ये दोनों आपस में क्या हो गया, मिल गया। बोलो मिलाने के बाद, ए बी को मिलाने के बाद क्या हुआ, वेपर प्रेशर घट गया कि बढ़ गया, ए बी मजबूत है तो ऊपर कम जाएगा, वेपर प्रेशर घट जाएगा, ये क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर कम, यहां भी क्या हो जाएगा, सॉरी अच्छे से कम, यहां भी क्या हो जाएगा कम। बोलो ये पीए वाला ग्राफ, ये पीवी वाला ग्राफ और ये पीएस वाला ग्राफ, यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो पी ए इज लेस देन, बोलो पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी नॉट बी एक्स बी, ये कौन है, वेपर प्रेशर, ए वेपर प्रेशर, समझ गया, जो तो सारा समझावा, ए मोल फ्रैक्शन। और बोलो पी एस इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, क्लियर, ध्यान दीजिएगा, बस दिस इज नेगेटिव डेविएशन, ओके। एक ऊपर एक नीचे क्यों है, एक वोलेटाइल ज्यादा है दूसरा वोलेटाइल कम है, और कंडीशन बोलो क्या हो जाएगा, बोलो डेल्टा एच इज लेस देन जीरो, डेल्टा वी इज लेस देन जीरो, डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। थोड़ी जल्दी हो गए ना, आज खत्म कर लिए, कल नेक्स्ट क्लास में इसको और अच्छे से समझ लेंगे, कुछ नहीं आइडियल सोल्यूशन, यूं ताली बजाए खत्म हो गया, समझे, ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दें, समझेंगे सब कंप्लीट हो जाएगा। टाइम कम रहने के चलते आज थोड़ा सा आपका हो गया है ना, इसको देख लीजिएगा सर, थोड़ा सा एग्जांपल लिख देते तो ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल पहला है फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन, देखिए फिनॉल में भी एच बॉन्डिंग होता है ना, बहुत सारा फिनॉल है, यहां भी क्यों है, ओएच होगा फिर यहां से क्या करेगा, ऐसा होगा, होगा ना इस तरह, एनिलीन में भी एच बॉन्डिंग होगा, एच बॉन्डिंग का कंडीशन क्या होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ए एन एच टू, फिर से देखो एन एच टू तो यहां पर होगा ना, तो फिनॉल में भी एच बॉन्डिंग हो रहा है, एनिलीन में भी एच बॉन्डिंग हो रहा है, मगर जैसे इस दोनों को आपस में क्या करते हैं बाबू, मिला देते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे इस दोनों को आपस में क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो एच बॉन्डिंग यहां पे भी होता है, किसके किसके बीच, यहां पे किसके किसके बीच हो जाएगा, बोलो ओ एच और इसको मिलाने के बाद एच बॉन्डिंग कुछ ऐसा होता है, ओ एच और बोलो दूसरा एन एच टू, इसके बीच एच बॉन्डिंग होता है, ध्यान दीजिएगा, और यह एच बॉन्डिंग पहले के अपेक्षा ज्यादा मजबूत होता है, और पहले के अपेक्षा ज्यादा मजबूत हो गया, बोलो तो क्या होगा बाबू, बोलो जोर से पकड़ा, ऊपर जाने नहीं दिया, तो वेपर प्रेशर कम, क्लियर। तो पहला एग्जांपल फिनॉल एंड एनिलीन के बीच, फिनॉल में भी एच बॉन्डिंग, एनिलीन में भी एच बॉन्डिंग, दोनों को मिला देने के बाद फिनॉल और एनिलीन के बीच जो एच बॉन्डिंग होता है वो इस दोनों के बीच वाला एच बॉन्डिंग से क्या होता है, ज्यादा मजबूत होता है, और ज्यादा मजबूत होगा तो उसका ऊपर उड़ने का नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हो गया, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा,
एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ध्यान दीजिए। एसीटोन क्या है, देखो सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, सी एच थ्री। क्लोरोफॉर्म क्या होता बोलो, सी एच सी एल थ्री, ये सी एल हो गया, सी एल हो गया, सी एल हो गया, यहाँ क्या होगा एच होगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है सी एच सी एल थ्री क्लोरोफॉर्म, ये कौन है एसीटोन। अब देखो पहले ये अलग था, वो साहब अलग थे, ये अलग था और वो अलग थे, तो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, कम था। अब जैसे ये और इसको मिला दिए तो ये ओ और इसके बीच क्या हो गया एच बॉन्डिंग हो गया, ओ और एच के बीच क्या हो गया एच बॉन्डिंग हो गया। तो पहले ये अलग वो अलग, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, जैसे एच बॉन्डिंग हुआ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो ऊपर जाने का नेचर क्या हो गया कम हो गया, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा पहले से घट जाएगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। इसको क्या लिखेंगे अपन बोलो, सोच नेगेटिव डेविएशन क्या करता है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है, सोच नेगेटिव डेविएशन। तो एग्जांपल कौन सा हो गया एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, क्यों हुआ पता है ना, क्योंकि पहले ये अलग था वो अलग था, अब दोनों को जैसे मिलाए तो ये आपका ऐसा कुछ हो गया। ठीक, थर्ड देखिएगा, थर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। कोई भी एसिड, एसिड स्ट्रॉन्ग विशेष करके, स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, प्लस H2O, ये भी क्या शो करता है बोलो, नेगेटिव डेविएशन। एग्जाम्पल मान लीजिए HNO3 है प्लस H2O है, क्या होता है नेगेटिव डेविएशन। सर पता कैसे चला, सिंपल सोचो, हमने क्या बोला था डेल्टा H इज लेस देन जीरो, मतलब सिस्टम हीट को क्या करेगा रिलीज करेगा, को याद है एसिड को जब पानी में डालिएगा हीट क्या होगा रिलीज होता है, जहां भी हीट रिलीज होगा वो कैसा प्रोसेस नेगेटिव डेविएशन। ओके, आज कुछ ज्यादा टाइम हो गया और कुछ ज्यादा देर तक अपन पढ़ लिए, मगर नेक्स्ट क्लास मैं इस चीज को और अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, है ना। इसे समझ में तो आ गया होगा, मगर समय कम रहने के चलते थोड़ा सा हम लोग क्या किए इसको तेजी तेजी पढ़ लिए, उसको फिर से रिवीजन करेंगे तो और आसान है। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन बहुत ही आसान है, इसके एग्जाम्पल ये बहुत ही आसान है, सिर्फ लॉजिक आप थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, डाउट आने पे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। थैंक यू।